हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं सिलेबस ऑफ जे एन एम सेकेंड ईयर जे एन एम सेकेंड ईयर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और सब्जेक्ट है हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वन इसे हम एम एस एन भी बोलते हैं एंड इसी का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे देखेंगे कौन कौन से टॉपिक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वन के अंडर हम पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे तो इसमें यूनिट्स दी हुई हैं यूनिट वन है इसमें यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है इंट्रोडक्शन तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ़ द मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे दैन सेकेंड इसमें आएगा थ्योरीज ऑफ इलनेस एंड इट्स कोर्स एंड इलनेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस थर्ड टॉपिक होगा इसमें रिव्यू ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एंड नर्सिंग केयर प्लान यानी कि नर्सिंग प्रोसेस और एन हम पढ़ेंगे इसमें सेकेंड यूनिट आ जाती है नर्सिंग असेसमेंट नर्सिंग असेसमेंट में होगा हेल्थ असेसमेंट हेल्थ हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन न्यूट्रिशनल असेसमेंट जनरल क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन एंड यूनिट थ्री होगा पैथोफिजोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज इसमें पढ़ेंगे हम स्ट्रेस एडेप्टन स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इन्फ्लामेशन डिफेंस अगेंस्ट इंजरी न्यूट्रिशनल कंसड्रेशन एंड उसके बाद फोर्थ यूनिट है हमारा अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स इसमें आ जाएगा ओवरव्यू ऑफ द नॉर्मल इम्यून सिस्टम अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी असमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन एलर्जी डिसऑर्डर एनोफ्लेक्सिया एलर्जी रेट्स एंड कॉन्टैक्ट डिटरमेटिस्ट एंड अटोपिकटरमाटाइटस और होंगे इसमें ड्रग रिएक्शन फूड एलर्जी सीरम सिकनेस एंड लेटेक्स एलर्जी अप्रोच टू टिट एलर्जिक डिजीज़ नर्सिंग मैनेजमेंट क्लाइंट विद द अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंड आउटो इम्यून डिजीज एंड रिमर्टेड अर्थराइटस एस एल ई एंड एंक्लॉसिंग स्पॉन्डालाइटिस एंड ग्रैफ्ट विर्स होस्ट डिजीज उसके बाद फिफ्थ यूनिट आ जाता है इसमें फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस फर्स्ट टॉपिक है इसमें वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस एंड हीमस्टोसिस रिव्यू मैकनिज्म रेगुलेटिंग फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट मूवमेंट फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस इम्बेलेंस एंड इट्स मैनेजमेंट उसके बाद सिक्स यूनिट आ जाता है हमारा ऑपरेशन थिएटर टेक्निक फिजिकल इन्वायरमेंट ऑपरेशन थिएटर रूम क्लीन ऑफ टेबल्स ट्रॉली लाइट एंड अदर इक्विपमेंट प्री ऑपरेटिव होल्डिंग एरियाज उसके बाद थिएटर टेक्निक क्या होगा स्क्रबिंग हैंड वॉशिंग गाउनिंग ग्लविंग पोजिशनिंग ऑफ पेशेंट ऑफ द वेरिय सर्जिकल प्रोसीजर एंड ड्रैपिंग ऑफ द पेशेंट नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें प्रिप्रेशन ऑफ द थिएटर इक्विपमेंट एंड स्प्लाइज इसमें जाता है क्लिनिंग नीडल्स एंड सच टाइप एंड देयर देयर यूज कार्बोलाइजेशन ई टी ओ स्टेलाइजेशन एंड फ्यूमिगेशन ओ टी स्वैब एंड बेसुलाइसड स्टेलाइजेशन पैकिंग एंड स्टेलाइशन ऑफ ड्रेसिंग लाइन इन रबर वॉश टूचलर एंड मटीरियल्स इंस्ट्रूमेंट्स नीडल स्टैंडर्ड्स एंड मटेरियल्स यानी कि पूरा ऑपरेशन थिएटर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं फिजिकल होगी थिएटर टेक्निक्स होंगी को चीज़ों को कैसे क्लीन करना है कैसे प्रिपेयर करना है वो सब इसमें इस यूनिट में हम पढ़ेंगे उसके बाद आता है हमारा सेवन्थ यूनिट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडर सर्जरी जो पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहे हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है प्री ऑपरेटिंग ऑपरेशन एंड केयर फिजिकल साइकोलॉजिकल प्री मेडिकेशन एंड लीगल एंड एथिकल सेकेंड पार्ट में होगा इसमें इंट्रा ऑपरेटिव मैनेजमेंट सर्जिकल टीम नर्सिंग एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्थेटिक एजेंट एंड रोल ऑफ अ नर्स इन एनस्थिसिया इसके बाद आता है इसमें पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद मैनेजमेंट कैसे करनी होगी इमिडिएट केयर देनी होगी ट्रांसफिंग ट्रांसफरिंग पेशेंट फ्राम द ऑपरेशन थिएटर पेशेंट इन रिकवरी रूम रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया पोस्ट ऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट कैरी आउट द पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर एंड पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्वेशन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट उसके बाद एट्थ यूनिट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद इम्पेयर्ड रेस्परेटरी फंक्शन एंड गैशस एक्सचेंज इसमें हम डिस्कस करेंगे असमेंट ऑफ द रेस्परेटरी फंक्शन हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिशन एंड डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन एंड सेकेंड टॉपिक होगा इसमें केयर ऑफ द पेशेंट इन द रेस्परेटरी इंटेंसिव केयर एंड वेंटिलेटर केयर एंड रेस्परेटरी फंक्शन तो पूरा टॉपिक है रेस्पिरेटरी से बेस्ड है ये थर्ड टॉपिक होगा इसमें मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद डिस अपर रेस्परेटरी एयरवेज एबस्ट्रक्शन ऑफ द अपर वेज एपिटेक्सियस एंड साइनटाइट फरेंजटाइटस एंड टॉन्सिलाइटस डरिनटाइटस एंड डेविएटिड नेजल सेप्टम नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ द चेस्ट एंड द लोअर रेस्परेटरी ट्रैक एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद इम्पेयर्ड लंग एपिसमें होगा एम्फियमा ब्रॉनकल एस्थमा एंड सी ओ पी डी उसके बाद नाइन्थ यूनिट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ़ द पेशेंट विद गैस्ट्रो इंटस्टाइनल डिसऑर्डर असेसमेंट ऑफ गेस्ट्रो इंटस्टाइनल फंक्शन हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन मैनेजमेंट ऑफ अपर गैस्ट्रो इंटस्टाइनल डिसऑर्डर तो इसमें जो भी गेस्ट्रो uh, इंटस्टाइनल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे ये पूरी लिस्ट आपके सामने है पैराटाइटस स्टोमेटाइटस ग्लोस्टाइटस ये सारे क्या हैं गैस्ट्रो इंटस्टाइनल डिसऑर्डर हैं इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें केयर ऑफ़ द पेशेंट विद गेस्ट्रो इंटस्टाइनल इनक्यूबेशन एंड द स्पेशल न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट उसके बाद आता है इसमें मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद द लोअर गैस्ट्रो इंटस्टाइनल डिसऑर्डर उसके बाद पहले हमने गेस्ट्रो इंटस्टेनल के डिसऑर्डर पढ़े थे उसके बाद हमारा ये टॉपिक आता है लोअर गैस्ट्रो इंटस्टाइनल डिसऑर्डर ठीक है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन डायरिया फीकल इनकटिन्यू इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ठीक है और ये सारे डिसऑर्डर इस हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके बाद आता है इसमें टेंथ यूनिट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद मेटाबॉलिक एंड इंडोक्राइनल डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी हमने डिस्कस किया गेस्ट्रो इंटस्टाइनल अब आता है हमारा इंडोक्राइनल डिसऑर्डर तो इसमें हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ़ हेपेटिक एंड बाइलरी फंक्शन हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन एंड डायग्नोस्टिक मेजर मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद हेपेटिक डिसऑर्डर जॉन्डिस हेपेटिक एंड पोर्टल हाइपोटेंशन तो ये वायरल हेपेटाइटस ट्यूमर लिवर ये सारी सारी हमने इसमें क्या करना है डिजीज कंडीशन ही पढ़नी है हमने मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद द बाइलरी डिसऑर्डर यानी कि बलरी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे अससमेंट ऑफ इंडोक्राइन फंक्शन इंडोक्राइन के क्या क्या फंक्शन होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडोक्राइन डिसऑर्डर ड्यूट्री डिसऑर्डर थायरॉय डिसऑर्डर हाइपर थायरॉडिज़म एंड हाइपर थायरोड ट्यूमर गोइटर तो ये सारे डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद यूनिट आता है हमारा एलैंथ यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर तो जो जो भी फर्स्ट ईयर में हमने यूनिट्स पढ़ी हैं वो उन्हीं सभी के हम यहाँ पर डिजीज़ डिजीज़ कंडीशन डिसकस करेंगे तो अब आ जाता है उसमें यूरिनरी डिसऑर्डर असमेंट ऑफ द रीनल एंड द यूरनरी फंक्शन हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद द रीनल एंड यूरिनरी ब्लडर यूरिनरी रिटेंशन एंड इनकटिन्यू एक्यूट एंड क्रॉनिक गलर फेरेंटाइटस एंड ये सारे क्या हैं यूरिनरी से रिलेटेड डिजीज हैं इन सभी को हम पढ़ेंगे इसमें एंड इसके बाद सी टॉपिक आ जाता है इसमें असेसमेंट ऑफ द मेल जेनिटनरी फंक्शन मेल का जेनेटरी फंक्शंस आ जाते हैं इसमें हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन डिसऑर्डर उसके बाद आ जाएंगे ये सभी मेल से रिलेटेड हैं उसके बाद अल्टरनेट थेरेपीज़ क्या होगी ड्रग्स क्या क्या, क्या यूज़ की जाएंगी उसके बाद यूनिट आता है हमारा ट्वेल्व नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे असेसमेंट हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल फंक्शन ल ऑफ कॉन्शियस एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड इंट्राक्रेनियल सर्जरी मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैड एक माइग्रेन सीजर्स एपिलेप्सी तो ये सारे डिसऑर्डर हम इसमें डिस्कस करेंगे और आगे भी आ जाते हैं इसमें ब्रेन एवेक्सिस एंड डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स मल्टीपल सीजर्स uh, एंड ये सारे क्या हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं इन सभी को पढ़ना है यूनिट्स में एंड उसके बाद थर्टीनथ यूनिट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद द कनेक्टिव टिशू एंड क्लोजन डिसऑर्डर ठीक है अब आ जाते हैं यहाँ पे टिशूस की बात आ जाएगी इसमें भी हम असे, असेसमेंट करेंगे हिस्ट्री फिजिकल एग्जामेशन डायग्नोसिस ठीक है उसके बाद मैनेजमेंट करेंगे उसके बाद जो जो भी इसमें डिजीज आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद लास्ट यूनिट आती है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एल्डरली इनके एल्डरली लोगों को कैसे ट्रीट किया जाए कैसे उनका मैनेजमेंट यानी कैसे उनको केयर किया जाएगा असेसमेंट ऑफ द एल्डरली एजिंग प्रोसेस हेल्पिंग एंड केयर ऑफ द एल्डरली इन द प्रमोटिंग वेलनेस एंड सेल्फ केयर कंडीशन एसोसिएटेड विद एजिंग एंड उसके बाद होम एंड इंटस्टाइनल केयर तो ये था हमारा टॉपिक सिलेबस ऑफ एमेजन पार्ट वन का तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाली वीडियो में तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग